हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी क्लर्क भर्ती 2022। और ये जो भर्ती आपकी है वो हर ज़िले में जो आपके 10वीं और 12वीं की जो एडेड कॉलेज होते हैं उनमें ये जो वैकेंसी आपकी आई है, ठीक है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, टोटल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, तो कॉलेज आपके जो हैं, जो 10th और 12th के एडेड कॉलेज हैं, लगभग उनकी संख्या है लगभग में 4500। तो 4500 कॉलेज में, और ज़्यादातर जो कॉलेज हैं, ऐसा नहीं कि 4500 कॉलेज में जो है वैकेंसी होगी, लेकिन ज़्यादातर जो हैं कॉलेज है उनमें एक या दो पद जरूर खाली हैं आपके क्लर्क के, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि आवेदन इसकी जो शुरुआत है, जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीज़ें बताई थी मैंने, इसके लिए योग्यता क्या होगी, फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, टैपिंग इसमें होती है तो टैपिंग की प्रोसेस क्या रहती है। तो इस किसी भी प्रकार की इसमें अगर डाउट है तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिर भी इस वीडियो के अंत में हम संक्षिप्त में ये सारी चीज़ एक बार पुनः आपको बता दूंगा, ठीक है, जो आपको कोई भी डाउट होगी तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मुख्य रूप से हम बात करेंगे जो हम जो ये पद आपके आए हैं, ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे ज़िले में किस कॉलेज में कितने पद हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि फॉर्म जो है कहाँ से मिलेगा, और उसके साथ साथ हम एक कॉलेज या दूसरे कॉलेज, कितने कॉलेज से हम जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे कि हम अदर डिस्ट्रिक्ट से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अदर डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉलेज आपको पसंद है, हो सकता है वहाँ वैकेंसी खाली हो, तो उसमें हम क्या फॉर्म भर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और कुछ इस वैकेंसी को लेकर बात करेंगे जो कॉलेज स्तर पर जो भर्ती होने जा रही है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें इसमें गलत है, ठीक है, इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझिएगा आप, जो आपके एडेड कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कहते हैं कि सर ये जो वैकेंसी हैं आपकी जो क्लर्क की, क्या वो गवर्नमेंट वैकेंसी है या फिर आपकी संविदा पर है। तो मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि आपकी पूरी जो वैकेंसी आपकी है ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, इसमें कोई आपकी जो है संविदा पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल स्थायी वैकेंसी है, ठीक है, ऐसा भी नहीं स्थायी, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे, तो स्थायी वैकेंसी है, ठीक है। तो देखिए 4500 कॉलेज आसपास हैं इसमें। अब हम बात करेंगे आवेदन की, तो इसकी जो आवेदन है उनकी शुरुआत आपकी 6 अक्टूबर से हो चुकी है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारे ज़िले में तो कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको पुनः एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके जो आवेदन है वो आपके किसी वेबसाइट के माध्यम से, किसी ऑनलाइन के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। पुनः मैं एक बार बता रहा हूँ, वेबसाइट या कोई ऑनलाइन कोई और दूसरा माध्यम है उसके माध्यम से आवेदन आपके नहीं लिए जाएंगे। इसके जो आवेदन आपके हैं बिल्कुल ऑफलाइन होंगे, ठीक है, इसके आपके क्या होंगे ऑफलाइन तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ जिले हैं जिन्होंने, कुछ जिलों के जो भी 10th और 12th के एडेड कॉलेज हैं वहाँ से जो है नोटिफिकेशन आउट भी हो गए हैं, वैकेंसी भी पता चलेंगे लोग, और स्टूडेंट फॉर्म भी भर रहे हैं, ठीक है। कुछ जिले हैं जैसे कि हम बात कर लेते हैं, देखिएगा उदाहरण के तौर पर देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, सहारनपुर और मुरादाबाद। आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, अखबार के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि इन जिलों के जो भी एडेड कॉलेज हैं उन्होंने, कुछ एडेड कॉलेज ने वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर दिया है, नोटिफिकेशन भी देना शुरुआत कर दिया है। अब बात करेंगे सर हमारे ज़िले में, आपको चिंता मत करिएगा, आपके भी कॉलेज में जो आपके डिस्ट्रिक्ट है जो भी कॉलेज हैं उनमें वैकेंसी है, तो उसका आपको जो है नोटिफिकेशन, कहने का मतलब है वो आपको प्राप्त करना है, न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चलेगा। पता कैसे चलेगा, जो आपके ज़िले का रोजगार समाचार होता है उसमें आएगा, ठीक है, जो भी आप अखबार पढ़ते हैं उनके माध्यम से जो है वो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। अगर जैसा कि मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, बहुत डीपली बात आपको मैं कहने जा रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं जो जानबूझ करके थोड़ा सा कोई नोटिफिकेशन निकालेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, और क्या है आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, मैं इसका बता दूँ कि जो जिला है उसमें एडेड कॉलेज है उसमें से ज़्यादातर वैकेंसी एक या दो वैकेंसी हैं हर कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, और ये कॉलेज के माध्यम से ही नोटिफिकेशन आएगा। तो कॉलेज में जैसे एक या दो वैकेंसी हैं, जो पहले हम बात करेंगे प्रोसेस सिलेक्शन की, तो पहले क्या होता था कि जो कॉलेज के संपर्क के लोग थे, हो सकता है प्रिंसिपल हो या
प्रबंधक हो, जो भी हो, वो अपने ही किसी रिलेटिव को उसमें जो है जॉब में रख लेते थे क्लर्क की वैकेंसी में। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो पैट 2021 के माध्यम से, जो पैट देगा वही आवेदन करेगा। इस बात को समझिएगा कि जो पैट जिसने 2021 दिया होगा वही आवेदन करेगा और उसके साथ 50% से अधिक होगी वही आवेदन कर पाएगा। तो इसी वजह से हो सकता है कि नोटिफिकेशन बहुत संक्षिप्त हो, आपको पता ना चले, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि अपने रिलेटिव को ही किसी को वहाँ पे सिलेक्शन दिलवा देगा। तो इस क्या कर सकते हैं आपको, अगर आपको अखबार के माध्यम से रोजगार समाचार से ना बदल तो आप कॉलेज जा कर के पर्सनली कॉलेज जो मैनेजमेंट है वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इस कॉलेज में वैकेंसी है कि नहीं, ठीक है। अब आपको मन में प्रश्न एक और आ रहा होगा कि सर फॉर्म कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ जो आपका जो जैसे जिन जिलों ने जो आपका जिन जिलों के जो कॉलेज हैं उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बाकायदा दे भी रखा है कि आपको फॉर्म का जो पूरा किस तरह से आपको भरना है और पूरा वहाँ पे दे रखा है प्रारूप के तौर पर कि इस तरह का आपका जो फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, पूछ कॉलेज से मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं या वैकेंसी के बारे में, क्योंकि ये इस तरह की जो प्रोसेस है कि आपको सजग और सचेत बहुत रहना है, आपको पता नहीं चलेगी वैकेंसी कब होगी किस कॉलेज में, क्योंकि मुश्किल से एक वैकेंसी है, आवेदन मुश्किल 50-100 आने की संभावना रहेगी हर कॉलेज में, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, मेन चीज़ ध्यान रखेंगे इसकी न्यूज़ के लिए अपने ज़िले का अखबार आप डेली अच्छे से पढ़ेंगे, एक या दो अखबार ज़रूर पढ़िएगा, एक या दो अखबार आप डेली पढ़िएगा, रोजगार समाचार है अपने जिले का वो जरूर पढ़िएगा, वहाँ जरूर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करें कितने फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक कॉलेज नहीं, दो नहीं, तीन, जितने भी आप कॉलेज हैं उनमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझेंगे, फॉर्म तो आप भर सकते हैं लेकिन जो उसकी फीस है ना 750 रुपये अलग जनरल ओबीसी के लगभग, ठीक है, और मुझे लगता है 500 रुपये एससी एसटी के लिए, तो ये फीस आपको हर फॉर्म पर देनी होगी। ऐसा नहीं आपने एक फॉर्म भर दिया तो एक बार फीस, फीस आपको बार, जैसे आप तीन फॉर्म भरेंगे अलग अलग कॉलेज में तो आपको जो है तीन बार फीस जमा करनी पड़ेगी, मैंने ड्राफ्ट के माध्यम से जिस कॉलेज में आप फॉर्म भरेंगे उसी कॉलेज के माध्यम से ड्राफ्ट लगेगा, क्योंकि फीस उसी कॉलेज में जमा करनी है आपको, ठीक है। देखो इसमें कुछ फ़ायदा तो है, फ़ायदा आपके जैसे अगर हम मान लेते हैं, घाटा ये है कि फीस पैसा आपको बार बार देना पड़ेगा। मेन चीज़ है कि 3 से 4 कॉलेज अगर आप भरते हैं तो उसमें क्या हुआ कि पैट की जैसे पैट कट ऑफ लगेगी, आपको पता होगा टाइप जो आप आवेदन होंगे और पैट के स्कोर पर जो है इसकी कट ऑफ लगेगी, ऊपर से जो है हाईएस्ट होंगे तो उन्हें, जैसे कि मान चलो एक वैकेंसी है, मान चलते हम एक वैकेंसी किसी कॉलेज में आई है तो वो 10 गुना स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, यानी कि एक वैकेंसी है एक पद है तो 10 जो है स्टूडेंट्स को जो है बुलाएंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। और जो टाइपिंग पास करेंगे और साक्षात के लिए उसमें जो है एक पद के लिए 3 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो 3-4 जगह से अगर आप फॉर्म भर देंगे तो आपको ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि उस कॉलेज में ज़्यादा नहीं तो इस कॉलेज में मुझे मौका मिल ही मिल जाएगा, तो आप भर भी सकते हैं, इसमें आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। वैसे मेरी राय है अगर भर देंगे पैसा ज़रूर खर्च होगा लेकिन भर देंगे तो आपकी बेनिफिट की बात रही। चलिए अब बात आती है क्या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी फॉर्म भर सकते, अदर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पास के ज़िले में अगर किसी कॉलेज में वैकेंसी ज़्यादा हैं और आप वहाँ के इच्छुक हैं, ठीक है, कोई कनेक्शन है, कोई संबंध है, तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर अदर स्टेट वालों के लिए क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसका यूपी उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें ऐसा कुछ भी अदर स्टेट वालों के लिए दे रखा कि फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा अदर स्टेट वालों के लिए ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात, जैसे मैंने आपको एक बार पुनः बता दिया सही थे, अब एक समझ लेते हैं यहाँ पे योग्यता के बारे में, कुछ थोड़ा समझ लेंगे। योग्यता इसमें रहेगी आपकी 12th पास, जैसे कि आपको पता है, प्लस इसके ट्रिपल सी डिप्लोमा, जैसे कि आपको पता है, इसके समकक्ष भी आप पे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और 18 से 40 आपकी एज रहेगी, ठीक है। फीस आपकी बताई थी, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, पैट आपका 2021 में देना आवश्यक है, 50% इसमें आपसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए टाइपिंग जो होगी आपकी वो दोनों दो में होगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर जो टाइपिंग है वो दोनों में होगी, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में होगी, दोनों ही पास करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे जो हिंदी के फॉन्ट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में, तो आपको जैसे मैं आपको बता दूँ कृति देव आपकी टाइपिंग होती है इसमें,
एक मंगल में होती है, ठीक है। तो मैंने पिछली बार आपको सिर्फ इतना बोल दिया था कि कुर्तिदेव और मंगल में आप कर सकते हैं दोनों में, तो दोनों में नहीं करना, इसमें से आपको एक पद सीखे हुए हैं तो उसमें एक ही करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो, और इंग्लिश की आपको 30 स्पीड निकालनी है, 25 आपकी हिंदी में स्पीड निकाल ली जाएगी, ठीक है। ये बात होगी आपकी, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, उसके बाद साक्षात्कार आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है, फिर फाइनल मेरिट आपकी लग जाएगी। तो ये रहेगा प्रोसेस, और जो मैंने आपको बता रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है, जहाँ जो आपको सजग और सचेत रहना है, वो आपको ये वैकेंसी आपको पता चलना ज़रूरी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो अपना जो यहाँ का अखबार न्यूज़पेपर 2 से 3 अखबार डेली ज़रूर पढ़िएगा, पता, कुछ जिलों ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, और कुछ जिलों जो डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं कुछ, वो आपके लगभग 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जो जिलों हैं आपके उनके जो कॉलेज हैं, कॉलेज बाई कॉलेज नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि ज़िले में स्पेशल एक मेरिट वो निकाला जाएगा, हाँ इस ज़िले में इतनी वैकेंसी है आप आवेदन करिएगा, ऐसा नहीं, हर कॉलेज बाई अपना वैकेंसी जो है अखबार के माध्यम से आपको पता लग जाएगी, ठीक है। और पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली अब बात है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं नाम मात्र के लिए नोटिफिकेशन देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये फॉर्म आए इस कॉलेज में, कब आपकी वैकेंसी होगी, ठीक है। अब ये मेन चीज़ है कि आपकी जो कॉलेज स्तर पर पूरी भर्ती होगी। देखिए ये तो अच्छी बात हुई, पिछली जो पुरानी भर्तियां क्लर्क की होती थी एडेड कॉलेज में, उसमें पता ही नहीं चलता था कब वैकेंसी आई कब भर्ती हो गई, लेकिन इस बार इतना ज़रूर हुआ है कि पैट का माध्यम हुआ, कुछ थोड़ा बहुत स्टूडेंट को पता लगने लगी, हाँ वैकेंसी भी आती हैं, ठीक है, आई हैं। तो कॉलेज स्तर पर जो भर्ती हुई है ना, ये थोड़ी गलत होगी कॉलेज स्तर पर। दूसरी बात, जो आपकी ये टाइप सी की वैकेंसी हैं, ये आपकी ग्रेड सी की वैकेंसी हैं, ठीक है, और सी में जो है आपको पता होगा इंटरव्यू ख़त्म कर दिए, लेकिन फिर भी इसमें जो है इंटरव्यू है, तो ये चीज़ जो है गलत है, ठीक है, ये चीज़ है गलत है, इसमें जो है इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू जो एक परीक्षा रख देते, वो इसमें जो है एक निष्पक्षता बिल्कुल आप लगती कि हाँ निष्पक्ष जो है भर्ती होगी। दूसरी बात है, तो बिल्कुल कॉलेज पर ही डाल दिए, पूरा जो है कॉलेज मैनेजमेंट ही पूरी भर्ती कराया, कॉलेज की बजाय अगर जिला स्तर पर ये भर्ती होती तब भी जो है स्टूडेंट को थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ जो है कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट के मन में ज़्यादा ये चीज़ है कि इसमें जो है ज़्यादा जुगाड़ उगाड़ से भर्ती चलेगी, हो सकता है कि इसमें जो है जुगाड़ वगैरह जो है अपना हो सकता है कि चल जाए, एक अलग बात है, वो मैं तो इस बात को नहीं कह सकता यहाँ खड़े होकर के, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि आप भी पूरा प्रयास करिएगा, आपकी अगर पेट में परसेंटाइल अच्छी है, ठीक है, और आपको टाइपिंग मुख्य रूप से आती है, ऐसा नहीं किसी कॉलेज वाले का हो सकता है संपर्क ही हो, उससे टाइपिंग आती हो सकता है कि वो पेट एग्जाम उसने दिया हो, कोई निश्चित नहीं उसने पेट एग्जाम दिया, पेट के बाद उसने फिर टाइपिंग उससे आती हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चिंता मत करिए, थोड़ा बहुत निश्चित रूप से जो है इसमें थोड़ा बहुत फिर ज़रूर भर्ती होगी, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा, आवेदन आप निश्चित रूप से करिए, और आवेदन आपको जल्द 2 से 3 दिन सभी जिले के जो कॉलेज हैं वो आपके अखबारों के माध्यम से पता चलेगा, पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली अब बात नहीं, ठीक है। और आप कितने भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1, 2, 3 कॉलेज जितने भी आप चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट इसके अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट इस भर्ती से प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।